हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू कमाल के वीडियो के अंदर। तो भाई लोगों, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे गिफ्ट स्टोर के ऊपर 50% ऑफ की, साथ ही बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इवो वोल्ट इवेंट के बारे में, कोबरा बंडर रिटर्न को लेके और भी बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स की डिटेल्स इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, आज आप लोगों को गेम के अंदर एक न्यू इवेंट देखने को मिल चुका होगा जो कि हमारा एवोल्यूशन नाम का। और दोस्तों, ये जो वेब इवेंट है एकदम घटिया इवेंट है। मुझे लगता है कि गरीना फिफा के अंदर आज से पहले इतना घटिया इवेंट कभी नहीं आया होगा, पर गरीना फिफा अपना रिकॉर्ड टाइम टू टाइम तोड़ती रहती है। तो आने वाले टाइम के अंदर इससे भी घटिया इवेंट आप लोगों को गेम के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। पर यार, ये जो एवोल्यूशन इवेंट है ना, मुझे लगता है कि गरीना फिफा को इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोस्तों आप लोग अपनी ईवो गन्स को अपग्रेड करने के लिए टाइम टू टाइम क्रेट्स को तो परचेस करते ही रहते हैं, या फिर गरीना फिफा कोई ना कोई इवेंट आप लोगों के लिए देती रहती है जिसके अंदर आप लोगों को क्रेट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये वाला जो इवेंट है ना, एकदम घटिया इवेंट है और एकदम फालतू का इवेंट गरीना फिफा डिजाइन करा है। तो आप लोग इसके अंदर अपने डायमंड्स को वेस्ट मत करना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को क्रेट सेक्शन के ऊपर भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। उस टाइम आप लोग अपने पसंदीदा ईवो गन्स की क्रेट्स को खरीद सकते हैं और अपनी ईवो गन को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वाले इवेंट के ऊपर अपने डायमंड्स को बिल्कुल वेस्ट मत करना। पर इसी के सिमिलर एक और बहुत जल्दी आप लोगों को वेब इवेंट देखने को मिल जाएगा। इस बार आप लोगों को यहाँ पर अपनी सभी ईवो गन्स को मैक्स करने का मौका मिल रहा है। पर दोस्तों, उस वेब इवेंट के अंदर आप लोगों को सभी की सभी ईवो गन्स रिटर्न में की जाएगी। जो लोग यहाँ पर अपनी पसंदीदा ईवो गन को निकालना चाहते तो वो लोग अपने अकाउंट के अंदर डायमंड्स को सेव करके रखो, क्योंकि दोस्तों उस इवेंट के अंदर आप लोगों के लिए सभी की सभी ईवो गन्स होने वाले, चाहे वो सुपर ईवो गन हो या फिर वो नॉर्मल ईवो गन हो, सभी की सभी आप लोग वहां से निकाल पाएंगे। और मुझे लगता है कि वो जो इवेंट होगा वो इससे भी कहीं ज्यादा स्कैम भरा इवेंट होगा। तो भाई आप लोग देख लेना आप लोग कौन सी ईवो गन को निकालना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग के लिए अब जो ईवो वॉल्ट इवेंट है, ठीक है, वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। पर अगर इन फ्यूचर ईवो वॉल्ट इवेंट आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करके जरूर बताऊंगा। और साथ ही में काफी टाइम बीत चुका है पर गेम के अंदर अभी तक आप लोगों को कोई भी जर्सी रॉयल देखने को नहीं मिला या फिर कोई जर्सी से रिलेटेड इवेंट देखने को नहीं मिला। तो बहुत जल्दी गेम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जर्सी रॉयल या फिर जर्सी से रिलेटेड एक इवेंट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी फ्री फायर इंडिया ऑडियंस की डिमांड ये रहती है टाइम टू टाइम कि उन लोगों को यहाँ पर एक जर्सी जरूर चाहिए हर अपडेट के अंदर। पर पिछले दो अपडेट से मुझे लगता है गरीना फिफा ने इंडिया सर्वर के ऊपर कोई भी जर्सी इवेंट नहीं दिया है। तो इस बार आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, जहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए पूरा रॉयल आने के चांसेस, जिसके अंदर आप लोगों के लिए काफी सारी पुरानी जर्सीज को रिटर्न किया जाएगा। जो लोग यहाँ पर किसी भी जर्सी को निकालना चाहते हैं वो लोग भी अपने डायमंड्स को सेव करके रखना, क्योंकि जब ये जर्सी रॉयल आएगा तो इसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कांटे जाने वाला है। तभी जाके दोस्तों आप लोग अपनी फेवरेट जर्सी को भी निकाल पाएंगे। इसके अंदर आप लोगों को रोनाल्डो वाली जर्सी भी देखने को मिलेगी जो कि ब्लू कलर की थी और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जर्सी थी। तो इसलिए आप लोग अगर निकालना चाहते हैं तो अपने डायमंड्स को सेव करके रखना। ये आप लोगों को दोस्तों मुझे लगता है कि मार्च या फिर अप्रैल मंथ के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग यहाँ पर जर्सी रॉयल से किसी आइटम को निकालना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और साथ ही में काफी सारे भाई लोग बोल रहे थे कि भाई क्या कोबरा बंडल हमें गेम के अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो भाई लोगों, इस OB43 अपडेट के ऊपर आप लोगों को कोई भी न्यू ईवो बंडल देखने को नहीं मिला और ना ही कोई न्यू ईवो गन देखने को मिले, ठीक है। तो इस हिसाब से जितनी भी ओल्ड ईवो गन्स है वो भी सभी आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगी इसी अपडेट के अंदर, जो मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ कि एक आप लोगों को ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा जहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए सभी की सभी ईवो गन्स रिटर्न की जाएगी, चाहे वो सुपर ईवो गन हो या फिर वो नॉर्मल ईवो गन हो, ठीक है। और उसी तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर हमारे ओल्ड जो भी ईवो बंडल्स है वो भी रिटर्न किए जाएंगे, जिसके अंदर मुझे लगता है कि दो बंडल के आने के चांसेस, सबसे ज्यादा पहला है हमारा कोबरा बंडल और दूसरा है स्कॉर्पियो बंडल, ठीक है। और ये दोनों ही बंडल्स आप लोगों को एक ही इवेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट ये रहेगा कि दोस्तों आप लोग सिर्फ एक ही ईवो बंडल को निकाल पाएंगे, या तो आप लोग स्कॉर्पियो लेजेंडरी बंडल को निकाल लेना या फिर आप लोग कोबरा लेजेंडरी बंडल को निकाल लेना, ठीक है। इस वेब इवेंट के अंदर बेसिकली आप लोगों को एक बंडल को चूज करना पड़ेगा और उसके बाद स्पिन करना पड़ेगा, और स्पिन का टाइम मुझे लगता है कि आप लोग करीब करीब यहाँ पर 2000 से लेकर 3000 डायमंड लगाएंगे, तब जाके दोस्तों आप लोग अपने फेवरेट बंडल को निकाल पाएंगे। या फिर गरीना फिफा ऐसा कर सकता है कि सिर्फ दोनों में से कोई एक ही बंडल दे, पर जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है वो है हमारा कोबरा बंडल आने के चांसेस। तो कोबरा बंडल आप लोगों को रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिल सकता है। कोबरा बंडल के साथ साथ और भी काफी सारे आइटम्स आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिलेंगे जो कोबरा थीम पर बेस है, जैसे आप लोगों के लिए ग्लोल का स्किन हो गया, साथ ही में आप लोगों के लिए पैन का स्किन हो गया, एक दो छोटे मोटे और रिवॉर्ड्स आप लोगों को उसी रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे या फिर एक्सचेंज करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने डायमंड्स को संभाल के रखें, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों को कोबरा बंडल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों को फरवरी के लास्ट वीक से लेके मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताएं कि आप लोग कोबरा बंडल निकालना चाहेंगे या फिर
आप लोग लेजेंडरी स्कॉर्पियो बंडर की तरफ जाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर। और साथ ही में कुछ भाई लोगों का कमेंट था भाई गेम के अंदर आर्टिक ब्लू बंडल कब तक रिटर्न आने वाला है। तो भाई लोगों तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि गैना पिपन ने बहुत बार आर्टिक ब्लू बंडल को रिटर्न भी किया है, पर अगर आप लोगों ने नहीं निकाला तो वो उनकी गलती नहीं है। पर दोस्तों गैना पिपन आप लोगों से टाइम टू टाइम सर्वे को फिल करवाती रहती है और उस सर्वे के अंदर आर्टिक ब्लू को भी डालती है। तो इस बार भी आर्टिक ब्लू को डाला गया था सर्वे के अंदर और हमारी ऑडियंस ने बहुत सारे वोट किए आर्टिक ब्लू के लिए। तो आप लोगों को अगेन से आर्टिक ब्लू बंडल रिटर्न में देखने को मिल जाएगा और ये आर्टिक ब्लू के जो बंडल्स है आप लोगों को मिल जाएंगे रिंग इवेंट के ऊपर रिटर्न में, जहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए आर्टिक ब्लू बंडल टॉप पे रहने वाला और जो इसकी थीम पर बेस इंक्यूबेटर पूरा आया था वो बंडल्स भी आप लोगों को उसी रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे। इस आर्टिक ब्लू बंडल को निकालने के लिए आप लोगों को करीब करीब यहां पर 300 टोकन तक लगाने पड़ेंगे, तभी जाके दोस्तों आप लोग इसे एक्सचेंज कर पाएंगे या फिर दोस्तों आप लोग इसे डायरेक्ट स्पिन से भी निकाल सकते हैं। पर मैं आप लोगों से सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग यहां एक्सचेंज करके ही निकालना इसे प्रेफर करें, क्योंकि उस हिसाब से तो आप लोग के बहुत सारे डायमंड लग जाएंगे पर ये आप लोगों का नहीं निकलेगा, ठीक है। पर दोस्तों इसके अंदर आप लोगों के लिए इंक्यूबेटर थीम पर जो हमारे आर्टिक ब्लू के बंडल थे वो सभी के सभी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पर आप लोगों के लिए आर्टिक रेड देखने को मिलेगा, आर्टिक पर्पल होगा, आर्टिक ब्लू होगा, साथ ही में और भी आर्टिक ब्लू थीम पर बेस्ड बंडल्स होंगे मेल के और फीमेल के। तो कमेंट करके बताएं कि आप लोग इन बंडल्स को निकालेंगे या फिर नहीं, और मुझे लगता है कि ये बंडल्स आप लोगों को मार्च मंथ के अंदर देखने को मिलेंगे जब होली इवेंट के आसपास ही, ठीक है। तो भाई लोगों तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या तुम लोग इस आर्टिक ब्लू बंडल को निकालना पसंद करोगे या फिर फ्लेमिंग फ्लेम के इस इंक्यूबेटर के बंडल्स को आप लोग निकालना पसंद करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही में अब बात कर लेते हैं हमारी अपकमिंग डिस्काउंट इवेंट्स के बारे में। बहुत जल्दी गेम के अंदर आप लोगों को एक फ्लैश सेल देखने को मिलने वाली है जिसके अंदर आप लोगों को यहां पर कुछ छोटे मोटे ही आइटम्स देखने को मिलेंगे, पर इसके अंदर एक आप लोगों को मेन आइटम देखने को मिलेगा। इस सेल के अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल हाइड आउट वाला सीन देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों को यहां पर स्पिन करना पड़ेगा, अगर जो भी आपका डिस्काउंट रहा था उस हिसाब से आप लोगों को इसके अंदर आइटम्स का प्राइस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये सेल भी दोस्तों आप लोगों को होली इवेंट के आसपास ही देखने को मिल जाएगी इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर तीनों सर्वर के। कमेंट करके बताना कि आप लोग इस सेल को जानते हैं या फिर नहीं। दोस्तों बेसिकली एक हाइड आउट इवेंट ही होने वाला, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये सेल कितनी ज्यादा पसंद आती है। और साथ ही में अब बात कर लेते हैं गिफ्ट स्टोर के ऊपर 50% ऑफ या फिर हमारे स्टोर सेक्शन के ऊपर 50% ऑफ के बारे में। तो भाई लोगों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोर सेक्शन के ऊपर 50% ऑफ के बारे में। तो भाई लोगों स्टोर सेक्शन के ऊपर 50% का ऑफ आप लोगों को टाइम टू टाइम गेम के अंदर देखने को मिला है, ठीक है, जहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगा हमारा दिवाली इवेंट। दिवाली इवेंट के टाइम पे गैना पिपन ने स्टोर सेक्शन के ऊपर अलग अलग सेक्शन पे आप लोगों को ऑफ दिया है अलग अलग डेज पे, जहां पर सबसे पहले आपको क्रेट सेक्शन के ऊपर 30% का ऑफ देखने को मिला था, उसके बाद आपको बैकपैक्स पे, फिर मेले वेपन्स पे और फिर बंडल्स पे भी देखने को मिला था, ठीक है। और उसके बाद गैना पिपन ने आप लोगों के लिए हमारा पूरा ही स्टोर सेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है, 1 जनवरी के दिन। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत जल्दी स्टोर सेक्शन के ऊपर तो 50% का ऑफ जरूर देखने को मिलेगा अलग अलग डेज पे और अलग अलग ऑफ के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ उसी तरीके से पहले मेले वेपन पे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको बैकपैक्स पे, फिर हमारे पैरासूट के स्किन्स पे, इसी तरीके से गैना पिपन क्रम चलाती रहेगी और अलग अलग डेज पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ऑफ, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं गिफ्ट स्टोर के ऊपर 50% ऑफ की। तो भाई लोगों जो गिफ्ट स्टोर के ऊपर आपको 50% का ऑफ देखने को मिलेगा वो हमारे वैलेंटाइन इवेंट पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वैलेंटाइन इवेंट के ऊपर ही आप लोग अपने पार्टनर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को सबसे ज्यादा गिफ्ट सेंड करने की सोचते हैं। तो भाई लोगों उस दिन आप लोगों को गिफ्ट स्टोर के ऊपर 50% का ऑफ 110% जरूर देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों के लिए न्यू आइटम्स भी डाल के दिए जाएंगे, जहां पर आप लोगों के लिए जो थीम होगी वो पिंक कलर की थीम होगी, ठीक है। और पिंक कलर के जितने भी आइटम्स होंगे ना वो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टोर सेक्शन के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे वैलेंटाइन इवेंट के टाइम पर, क्योंकि पिछले जो दो वैलेंटाइन इवेंट गए ना वो एकदम बेकार गए हैं। तो इस बार का जो वैलेंटाइन इवेंट है ना वो गैना पिपन बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार का वैलेंटाइन इवेंट खराब हुआ ना तो जितनी ऑडियंस गैना पिपन ने पिछले 2 साल में खोई है ना उससे कहीं ज्यादा इस बार खोएगी, और इसका रीजन आप लोगों को उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन ये वैलेंटाइन इवेंट खत्म होगा, ठीक है। तो भाई लोगों आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना तुम लोग यहाँ पर वैलेंटाइन इवेंट के ऊपर गिफ्ट स्टोर पर 50% ऑफ का वेट कर रहे हो या फिर नहीं, और अगर गिफ्ट स्टोर पर 50% का ऑफ आएगा तो आप लोग किस आइटम को अपने पार्टनर को सेंड करना चाहोगे या फिर गिफ्ट करना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या तुम लोग सिंगल हो या फिर मिंगल हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। होप आज का ये वीडियो
वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई अपडेट चला है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, जाके वहां पे अपने कमेंट को लिखो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपकी कमेंट को जरूर पिक करूंगा। सो दोस्तों अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग गाइस। जय हिंद जय।